ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 25 to 31 कंप्लीट सेक्शन ऑफ पॉइंट ग्रुप सीरीज। आज हम सीखेंगे पॉइंट ग्रुप की इम्पोर्टेंसी। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और आज का सेगमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ सकती है, लेकिन ये क्योंकि हम इस सेगमेंट का जो टाइप है, इसको हमारी मजबूरी है कि हम इस सेगमेंट को पूरा ही एक ही प्रोग्राम में आपको समझाएं। अगर ये नहीं समझ में आएगा, अगर इसको दो या तीन प्रोग्राम में सेगमेंट में हम डिवाइड कर देंगे, तो जो इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। देखें, एक हम साइट से किसी जगह से हम सर्वे करके आए हैं, और जिस सर्वे में हमने फाइंड आउट किया है कि एक स्ट्रॉम वाटर की लाइन है, जो कि ये पूरी लाइन, ये देखें ये लाइन इस तरह से जा रही है, और फिर एक ये रेड वाली जो है ये सिवरेज लाइन है, और ये सिवरेज लाइन इस तरफ से इधर बाहर जा रही है। उसके अलावा इसमें क्या है कि ये येलो जो है ना, ये लाइट पोल है, और लाइट पोल दोनों तरफ रोड के इस तरफ और इस तरफ ये लाइट पोल है। उसके अलावा यहाँ पे हमने डेफिनेटली, अगर ये रोड है तो इसके कुछ ग्राउंड लेवल या रोड लेवल भी हमने लिए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे ये देखें रोड गलीज हैं। अब इस तरह से अब जब हम कोई फाइल इंपोर्ट करेंगे ऑटोकैड सिविल 3D में, जिसको हम साइट टोपो बोलते हैं, अगर ये पूरा इतना बड़ा फाइल होगा, तो जो हमारा प्रोग्राम 2 आप सेगमेंट देखा होगा इसमें, जिसमें CSV फाइल हम करके इंपोर्ट किया हुआ है, तो वहां पे हम उसका जब ग्रुप बनाएंगे, तो वो ग्रुप बनाने के टाइम पे जो हम सरफेस के लिए यूज करेंगे, तो इसमें से कौन सी चीज हम सरफेस के लिए यूज करेंगे? डेफिनेटली हम जो सरफेस के लिए यूज करेंगे वो सिर्फ ग्राउंड लेवल या रोड लेवल जिनको बोलते हैं, या एग्जिस्टिंग लेवल जिसको बोलते हैं, लेकिन इसमें लाइट पोल भी आ जाएगा। यहाँ पे एक देखे कंक्रीट है, तो ये कंक्रीट की कोई फाउंडेशन है, तो वो फाउंडेशन का लेवल भी होगा। तो जब हम ये इस तरह से सरफेस बना लेंगे, तो लाइट पोल का लेवल ऊपर होगा, और फिर मेन होल के कुछ और लेवल होंगे, कर्ब के कुछ और, मीडियन के कुछ और, तो इस तरह से फिर एक सरफेस बहुत अप डाउन बनेगा, और जो जमीनी उसका जो हम तह बनाते हैं, जो उसका सरफेस बनाते हैं, वो एक्चुअली सही पिक्चर उसकी क्लियर नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से फिर हमें एट द एंड जब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे क्वांटिटीज की, तो उसमें बहुत फर्क आ जाएगा और ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटिव इस तरह से हमारा रोड साइट टोपो होता है। तो हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे आप देखें एक ऑप्शन हमारे पास है क्रिएट पॉइंट ग्रुप, और ये अगर आप प्रोस्पेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे भी पॉइंट ग्रुप है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो न्यू में आ जाएगा। इन दोनों का सेम काम है, एक ही किस्म का काम है, न्यू ग्रुप बनाएंगे। तो हमारा इस प्रोग्राम से लिंक, हमारा जो 2 नंबर सेगमेंट है, उसको आप जरूर देखें, ताकि उस जो हम पहले बात समझा चुके हैं किस तरह से CSV फाइल या इंपोर्ट होता है, और इस तरह से फिर हमारे पास किस तरह से ये सारी डेटा आती है। जिस तरह हम ये मैंने तो एक तरतीब से बनाया, लेकिन ये तरतीब से हो भी नहीं सकता है। कभी कभी हमारे पास एक पॉइंट कंक्रीट का होगा, एक कर्ब का होगा, एक ग्राउंड का होगा, एक रोड का होगा, एक GL का होगा, तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हमारे पास वेरी करेंगे। तो फिर क्या होता है कि हम इस तरह फिर उनके ग्रुप कैसे बनेंगे? तो अब यहाँ पे देखें, अगर एक ग्रुप हम वो कंक्रीट जो हमने दिखाई आपको, यहाँ पे आप देखें ये एक कंक्रीट है, इसका एक ग्रुप बना दें, ताकि फिर हमें बाद में अगर इसको एक्सपोर्ट करना पड़े तो इजी हो जाए। और उसके बाद ये हमारे पास रोड कर्ब है, रोड के दोनों साइड में यहाँ पे देखें ये कर्ब है, और एक व्हाइट लाइन का ये कर्ब है, तो ये दोनों कर्ब लाइन हमारे पास है, इसका भी एक ग्रुप, ताकि फिर जब हम क्लेम करेंगे ये कितनी लेंथ है, तो ये इजीली हमारे पास आ जाए। ये सिवरेज लाइन है जो कि हम सर्वे करके आए हैं, उसके बाद ये स्टॉर्म वाटर लाइन है, उसके बाद ये लाइट पोल की सीरीज चल रही है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हम ये सारे लाइट पोल एक ही तरतीब में लिखे हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए एक सीरीज में लिखा हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि 61 नंबर जो है ना लाइट पोल हो, फिर 59 कर्ब हो, और ये 62 कुछ ग्राउंड लेवल हो, तो इनको फिर बाद में कैसे ग्रुप बनाते हैं उस पर हम करेंगे, ताकि डिफरेंट
टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं इसमें ऑटोकैड सिविल 3D में, इनको सेग्रीगेशन करता है, इनको अलग अलग करता है और हमारे काम की चीज बिल्कुल हमें यहाँ पे ये देखें ये GL है, ये जो GL है इससे हमारा सरफेस बनेगा, वो बाकी अदर एग्जिस्टिंग यूटिलिटी और इस तरह से फिर हमें सिर्फ डिफाइन करने में उनको, अगर हम नया काम कर रहे हैं और पुरानी कुछ यूटिलिटी है तो उनको ब्रेक करके जो हम क्लेम करते हैं उनकी क्वांटिटी निकालते हैं उनमें काम आएगा, लेकिन जो हमारा सरफेस और इस तरह से जो रोड क्वांटिटीज में चाहिए या डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो हमें GL चाहिए होते हैं या RK जो हमारा फर्स्ट है, ताकि वो फिर ये दो चीजें हमें चाहिए होती हैं, बाकी चीजें लेकिन हम साइड से बहुत सारा टोपो करके हमें मिलता है या हम लेकर आते हैं। तो किस तरह करेंगे इसको सेव एज करके CSV फाइल में, या हम मैंने पहले ही रिफर कर दिया है कि आप लोगों को 2 नंबर पॉइंट सेगमेंट देखना चाहिए, यहाँ पे आप जब इसका टाइप ऑफ फाइल खोलेंगे तो यहाँ पे सी इंटर करेंगे तो आपको एक ही मरतबा सी इंटर करेंगे तो CSV कमा डेलिमिटेड पे लेकर जाएगा और ये सेव करके आप इस तरह से अपना फाइल, क्योंकि ऑटोकैड सिविल 3D ओनली CSV फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी प्रोफाइल में एक दो टेक्स्ट फाइल में भी हो जाता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सरफेस के लिए जनरली हम लोग लेते हैं तो वो CSV फाइल होता है जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो देखेंगे अभी हम किस तरह से इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फाइल में जाएंगे और ये क्रिएट टूल और पॉइंट क्रिएट टूल में हम यहाँ पे क्रिएशन में सारा ऑटोमेटिक रखेंगे और नीचे डिफॉल्ट स्टाइल में हमारी अपनी मर्जी है, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, ये आप देखें, ये आप जैसे ही कर्सर इधर रोकेंगे तो इंपोर्ट फाइल लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इंपोर्ट एक न्यू डायलॉग बॉक्स पे खुल जाएगा, यहाँ पे ये देखें ये एड फाइल है, आप जैसे ही यहाँ पे ऑटोकैड सिविल 3D और बाकी ऑटोकैड या ऑटोडेस्क के फास्ट सॉफ्टवेयरों का ये एक एडवांटेज है कि आप जिस जगह पे भी कर्सर लेकर जाएंगे उसकी डिटेल आपको बता देगा, मिशन लिखी हुई है कि यहां से आप कैसे फाइल इंपोर्ट करेंगे, तो मैं गया हूं इसको सिंपल क्लिक किया है तो यहां पे आप देखें ये मेरे पास से CSV फाइल है RD के नाम से, रोड के नाम से आप कोई भी नाम हो सकता है, इसमें कोई इतना नहीं है। तो अब यहां पर मैंने देखा है कि मेरे पास क्या तरतीब थी, मेरे पास है पॉइंट नंबर ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे भी ये सेम चीज रखूंगा, आप ये इंपोर्ट करने के टाइम पे कभी भी फाइल आपका इंपोर्ट खुला हुआ नहीं होना चाहिए वरना वो इंपोर्ट नहीं करेगा, मैंने एक दूसरा एक्सेल का फाइल खोला हुआ है CSV का बंद किया हुआ है इसलिए इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आप देखें ये जो ग्रीन लाइन है, अगर आपका फाइल खुला हुआ होगा तो यहाँ पे रेड लाइन दिखा देगा जिसका मकसद होता है कि कोई एरर है, तो मोस्टली ये हम करते हैं कि फाइल खुला हुआ होता है और इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं होता है, तो हमेशा फाइल बंद कर दिया करें CSV का ताकि इंपोर्ट करने में कोई एरर ना आए। अब यहां पे देखें ये बहुत सारी स्पेसिफाइड पॉइंट फाइल फॉर्मेट, मेरे पास बहुत फॉर्मेट है, मैं सिर्फ 3 चीजें भी रख सकता था नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन, लेकिन क्योंकि मैं साइट पे टोपो करके आया हूं तो उससे ये होता है कि सारी डिस्क्रिप्शन भी हमको चाहिए होती है, एलिवेशन भी चाहिए होती है, पॉइंट नंबर भी होना चाहिए, तो ये मेरे और कॉमा डेलिमिटेड में या आप देखें पॉइंट ईस्ट नॉर्थ एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन जो ये मुझे सूट करता है, यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास पॉइंट नंबर हो गया ईस्ट, पॉइंट नंबर ईस्टिंग, थोड़ा इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं तो ईस्टिंग नॉर्थिंग पॉइंट एलिवेशन और रा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे अब हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि एड पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप में मैं यहां से ऐड कर सकता हूं, अगर इसको मैं इंटर करूं क्लिक करूंगा ये चेक हो जाएगा और ये जो इसका है ये ग्रुप नेम है, तो यहाँ पे ग्रुप नेम अभी कोई नहीं, अगर मेरे पास पहले कुछ ग्रुप होंगे तो यहाँ से मैं खोलूंगा कि पूरी लिस्ट निकल आएगी, मेरे पास इस फाइल में कोई ग्रुप नहीं है तो यहाँ से आके न्यू ग्रुप करूंगा और यहाँ पे नाम लिखूंगा, अब ये अगर मैं पूरा लिखूंगा कंक्रीट लाइट पोल RK ये सब का अगर मैं एक ही ग्रुप बना दूंगा तो मुझे फिर इम्पोर्ट करके और सरफेस में ले जाने के लिए जैसे मैंने पहले बताया प्रॉब्लम होगा, तो मैं क्या करूंगा इसमें कोई ग्रुप नहीं बनाता हूँ यहाँ पे और सिंपल मैं क्या करता हूँ इसको इम्पोर्ट कर देता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया है तो आप देखें ये मेरे पास सारे पॉइंट आ गए और ये जैसे ही आपको पहले बता चुका हूं ये कोगो पॉइंट होगा, तो ये देखें मेरे पास ये कर्ब के पॉइंट हैं,
अगर थोड़ा सा स्केल और छोटा कर दें तो थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये ग्राउंड लेवल्स हैं यहाँ पे, या एग्जिस्टिंग लेवल बोल सकते हैं, रोड लेवल बोल सकते हैं, और ये एमएच है, ये एक सीवरेज का मेन होल है, स्टॉर्म वाटर का मेन होल है जिसमें सिर्फ एमएच है, और यहाँ पे आप रेड में देखें कि एसएमएच है, तो इसका मकसद होता है कि ये कोड कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो रखा हुआ है वो सीवरेज मेन होल है। तो ये जो ना आरजी रोड गली है, और इस तरह से यहाँ पे आप देखें ये लाइट पोल है, मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालता हूं ताकि आपको पता चले। यहाँ पे मैंने देखें इसका एलिवेशन नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अगर लाइट पोल का जो हाइट होता है इस तरह से, फिर और अगर ये मैं जीरो सरफेस में लेकर जाऊंगा तो वो एक बहुत ये जमीन का लेवल समझेगा जीरो, और अगर यहाँ पे मेरे कंक्रीट का लेवल देखें यहाँ पे 2.85 से एक खड्डा बना देगा, यहाँ से 2.80 से 2.00 तक, तो ये 1 मीटर 80, 2 मीटर 80 सेंटी का एक खड्डा बन जाएगा, और इस तरह से सरफेस बनने में बहुत एरर आ जाएगा। तो मैं इनको क्या करूंगा, मैं सिर्फ ग्राउंड लेवल और आरके को मैं सरफेस में लेकर जाऊंगा, बाकी चीजों को नहीं लेकर जाता हूं, या सिर्फ ग्राउंड लेवल को लेकर जाऊंगा और बाकी का भी ग्रुप बना दूंगा ताकि मुझे पता चलेगा कितने कितने पॉइंट है। तो आज का जो सेगमेंट एक्चुअली है ही पॉइंट ग्रुप में, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जब हमारे पास टोपो में आ जाती हैं तो इसमें कैसे हम ग्रुप बनाएं। तो अगले सेगमेंट से हम इनके सेपरेट सेपरेट ग्रुप बनाना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे ग्रुप बाय नंबर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑटोकैड सिविल 3D और पॉइंट में हम लोग पॉइंट ग्रुप हमने स्टार्ट किया हुआ है। पॉइंट ग्रुप एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट सी है, इसमें आने वाले सेक्शंस जो हम पढ़ेंगे खास तौर पे सरफेस में इसकी बहुत इम्पोर्टेंट सी है। यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट ग्रुप है, इस पे हम एक कम्प्लीटली इसमें जो ऑप्शन है एक वीडियो बनाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम एक एक पढ़ करके इसको सेग्रीगेट करेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है और किस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं, उसकी आज ये पहली वीडियो है। यहाँ पे आप देखें पॉइंट में क्रिएट पॉइंट ग्रुप है, और प्रोस्पेक्टर में आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट ग्रुप लिखा हुआ है, राइट क्लिक करके आप जैसे ही इसको न्यू में जाएंगे तो यहाँ से आपको एक ग्रुप का ऑप्शन देंगे, जो यहाँ से आप डायलॉग बॉक्स खुलेगा वो सेम डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ से भी आप जैसे ही पॉइंट ग्रुप में जाएंगे तो क्रिएट पॉइंट ग्रुप में ये भी सेम डायलॉग बॉक्स, तो दोनों तरफ से आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से इसको खोल सकते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं, जो भी आप ग्रुप बनाएंगे उसमें जो जितने भी पॉइंट होंगे वो इधर आ जाएंगे। अभी कोई नहीं हमने ग्रुप बनाया, अब ग्रुप में चले जाएं, हमारे पास अभी तक कोई ग्रुप नहीं, ऑल पॉइंट जो हमने इम्पोर्ट किए थे वो ही पड़े हुए हैं, और ये रॉ डिस्क्रिप्शन हमने जहाँ पे ये इस तरह से इंक्लूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एरिया है जहां से सारे ग्रुप बनते हैं। इसमें से अगर कोई पॉइंट नहीं चाहिए हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्लूड क्या है, और इस तरह से ये है पॉइंट्स लिस्ट, जो भी हम पॉइंट बनाएंगे उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। हमारे पास अभी कोई लिस्ट नहीं है क्योंकि हमने अभी कोई पॉइंट ग्रुप नहीं बनाया। तो बाय नंबर, ये जो हमने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप की कुछ इंफॉर्मेशन बाय नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे ये जो बाय नंबर है वो यहाँ की समरी में आ गया है। तो पॉइंट चलते हैं हमारा इंक्लूड, अब ये जगह आप याद रखें आपके सारे ग्रुप यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखें विथ नंबर मैचिंग, यहाँ से आप देखें मैं अब एक ग्रुप बनाता हूँ जो मेरे पास में, पहले आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं कि अगर हम देखें तो 61 से लेकर और 80 तक ये जो भी है वो लाइट पोल है, यहाँ पे मैं ये नंबर बाय नंबर में बना देता हूँ। 61 से लेकर 80 तक का जो ग्रुप है वो मैं बाय नंबर में लेकर जाता हूँ। तो जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और ये बाय नंबर और ये हम जाएंगे इंक्लूड में। तो ये विथ पॉइंट विथ यहाँ पे मैं अभी ये देखें अनचेक है, ये एक्टिव नहीं है ये लाइन, तो जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा तो यहाँ से फिर आपका जब चेक आ जाएगा यहाँ पे तो ये एक्टिव हो जाएगी। तो इसमें मैं लिखता हूँ मुझे कौन से 61 नंबर से लेकर, तो ये डैश दे देना पड़ेगा आपका फर्स्ट नंबर, और उसके बाद मैं 70 दे देता हूँ। क्यों 70 देता हूँ, मैंने पॉइंट तो देखे थे कि 80 तक है, लेकिन मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सारे नंबर उसने ग्रुप में लेकर आ गया है हमारे जितने भी जो फाइल था उसमें से। तो मैं इसमें अगर मुझे और कोई इसमें वेरीज है, जो कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ आगे पीछे नंबर है, तो मैं एक और सीरीज भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ 71 से लेकर 71 और डैश
89 तक, और 89 के बाद अगर एक और रह गया तो मैं कामा देके और अपना एक और ग्रुप यहाँ पे मैं 79, ये 79 तक थे और ये मैं 80 यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये इस तरह से आपका डैश देके और दूसरा जो भी कंटिन्यूटी है 61 से 70, ये पूरी सीरीज आ जाएगी 71 से 79, क्योंकि बीच में डैश है तो ये पूरी सीरीज आ जाएगी। यहाँ पे बीच में कामा है, इसकी वजह से ये दूसरी सीरीज कोई भी होगी तो वो वहां से शुरू कर लेगा, और फिर कामा है तो इसके बाद एक और सीरीज है जो सिर्फ एक पॉइंट है। तो इस तरह से वो सारे नंबर इसमें आप देखेंगे, ये सारे पॉइंट लेके आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक नंबर, मुझे समझे कि 69 नहीं चाहिए ये लाइट पोल, बाद में मुझे पता चलो सपोज कि ये निकल गया है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके मैं लिख लेता हूं कि मुझे पॉइंट नंबर कोई भी 69 मुझे नहीं चाहिए। अब मैं जब लिस्ट में जाता हूँ इंक्लूड में और पॉइंट लिस्ट में जाता हूँ तो मुझे 69, देखें कि यहाँ पे 68 है, उसके बाद 70 है और उसके बाद 69 नहीं है, क्योंकि वो 69 मैंने एक्सक्लूड में डाल दिया है। उसके बाद ये पॉइंट लिस्ट और मेरा एक ग्रुप रेडी हो गया। यहाँ पे आप जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि बाय नंबर ये मेरा एक ग्रुप आ गया है, और इसके मैं प्रॉपर्टी में जाके अपने सारे पॉइंट देख सकता हूँ, और इसके यहाँ पे इसके फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जाके मुझे क्या क्या डिस्प्ले में रखना है वो भी मैं इसको सेपरेट रख सकता हूँ। तो ये है पॉइंट ग्रुप बाय नंबर, उम्मीद है कि ये बहुत आपके काम आएगा। हम सीखेंगे ग्रुप बाय एलिवेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑटोकैड सिविल 3D और पॉइंट ग्रुप हम सीख रहे हैं। पॉइंट ग्रुप को अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ अगर एक्सटेंड करेंगे तो जितने भी आपके पॉइंट हैं वो ग्रुप हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, प्रोस्पेक्टर में आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने लाइट पोल की एक सीरीज थी जो मैंने बताया आपको कि किस तरह से हमने एक ग्रुप को बाय नंबर से क्रिएट किया। अब एक और ग्रुप मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें बाय एलिवेशन हो। देखें, एक फाउंडेशन है मेरे पास जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पे 2.8 से शुरू होता है इसका एलिवेशन और करीब 2.88 या 2.89 के करीब यहाँ पे लेवल जाके खत्म होता है। तो देखते हैं कि ये 2.89, तो 2.8 से 2.89 है, तो एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम बाय एलिवेशन इसका करते हैं इंतखाब के, ये किस तरह से हम बाय एलिवेशन इसको बना सकते हैं। तो सेम हमारे पास, अगर ये ग्रुप में हमने नया ग्रुप बनाया, अभी हमारे पास कोई भी पॉइंट में मौजूद नहीं है, इंक्लूड में जाएंगे, अब हम ये ऑप्शन बाय नंबर को नहीं हम चेक करेंगे इसको विथ एलिवेशन मैचिंग। तो मेरे पास मैं डिफरेंट काइंड ऑफ एलिवेशन लिखता हूँ, 2.8 और 0 से कामा दूंगा और डैश दूंगा और 2.85 एक सीरीज हो जाएगी, दूसरी कामा देके दूसरा मैं चला जाता हूं 2.86 से और डैश 2.88, और अगर मेरे पास सिर्फ एक ही कोई एलिवेशन है वो भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूं तो 2.89। तो इस तरह से मैं कितनी भी सीरीज हो तो बीच में अगर 8.5 से कुछ वेरीज करती है किसी और एलिवेशन में 3.00 पे, तो एक और कामा देके मैं एक और सीरीज लिख सकता हूँ। अगर कोई एक पॉइंट है जैसे मैंने यहाँ पे 2.89 लिखा है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये जो भी एलिवेशन हो अब मेरे पास वो सिलेक्ट करके पॉइंट मेरे पास लेकर आया है, और इस तरह से ये ग्रुप बन सकता है जो बाय एलिवेशन होगा। इसमें भी मैं अगर कोई एक्सक्लूड करना चाहता हूं तो यहां पे क्लिक करके मैं निकाल सकता हूं उसको बाहर, अगर कोई एलिवेशन गलती से या कोई इस तरह से कोई नंबर सीरीज में आ गया है, नहीं है तो उसको ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो ये है पॉइंट ग्रुप बाय एलिवेशन, तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत यूज होगा। आज हम सीखेंगे ग्रुप बाय डिस्क्रिप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑटोकैड सिविल 3D और पॉइंट ग्रुप की डिटेल हम सीख रहे हैं। पॉइंट ग्रुप एक मर्तबा हम यहां से भी चले जाके देखते हैं कि किस तरह से बनता है। ये सेम ऑप्शन है, दो जगह पे है, आप किसी भी जगह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम डायलॉग बॉक्स खुलता है, और जिस तरह से भी हमने
पहले काम किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें पॉइंट ग्रुप, जो मेरे पॉइंट ग्रुप ग्रुप बनते जाएंगे बाय एलिवेशन बाय नंबर, हमने पहले सेगमेंट्स में बनाए थे तो वो हमारे पास पड़े हुए हैं अभी, और जैसे जैसे ये बनते जाएंगे तो ये पूरी एक ग्रुप की लिस्ट बनती जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन सा ग्रुप अभी हमारे पास होगा। अभी ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो मेन ग्रुप है, जो उसमें जमीन का एक सरफेस बनाते हैं, उसमें जो यूज होगा वो जीएल, एग्जिस्टिंग एलिवेशन या कर्ब लाइन, कर्ब पॉइंट, आरके या इस तरह के कुछ पॉइंट हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है ना, इनका ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सरफेस बनाने के लिए। तो हम चले जाते हैं कि सेम पॉइंट ग्रुप में और एक न्यू में जाएंगे, और न्यू में हम जाके अपना नाम लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां, तो बाय डिस्क्रिप्शन हमने ले लिया है यहां से। अब इंक्लूड में जाते हैं कि हमको क्या अभी यूज करना है। तो हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन को, मैचिंग विथ डिस्क्रिप्शन। अब देखें ये जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया, और ये मैं कोड लिखूंगा यहाँ पे जो मेरे पास इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, तो जीएल लिखा हुआ था मेरे पास। तो अब देखूंगा कि मेरे पास ये सारे जीएल के पॉइंट इसने कलेक्ट करके मुझे दे दिए। तो इस तरह से मेरा ग्रुप अभी रेडी है। लेकिन मैं एक और भी चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि अगर कोई फुल डिस्क्रिप्शन, ये भी ऑलमोस्ट सेम होता है हमारे पास, इतनी डिटेल में साइट से डेटा नहीं आती है, शॉर्ट कोड में ही आती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी है तो ये सेम डिस्क्रिप्शन होता है उसके, जैसे जी एल की जगह ग्राउंड एलिवेशन या लेवल लिखा होगा तो ये उसके लिए होता है। लेकिन इसमें भी सेम आप कोड भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास अभी कोई भी आरके का पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं अभी जाके यहां से मैं डाल देता हूं इसको भी एक्टिव करके, आरके पॉइंट भी डाल सकता हूं, तो मेरे पास ये अभी आरके पॉइंट भी आ जाएगा। ये देखें ये ऊपर आरके सारे पॉइंट आ गए, क्योंकि सीरीज में इसके पास पहले थे ये, तो वहां से वो आरके पॉइंट लेकर आया है और ये जीएल के पॉइंट भी ले लिया है। तो ये दोनों ही डिस्क्रिप्शन है, हम कोई भी डिस्क्रिप्शन जो जिस तरह से कोई नंबर लंबा नाम हो तो फुल डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, डिटेल नेम हो उसका अगर नहीं होगा तो शॉर्ट कोड में होगा। तो रा डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे जब हम एक्सेल का फाइल बनाते हैं तो यहाँ पे हम अपना एक फुल नेम लिख सकते हैं, ताकि ये मुझे आगे जाके ग्रुप में पता चले मैं पूरा लाइट पोल लिख सकता हूं। तो इस तरह से फिर ये वो फुल डिस्क्रिप्शन होगी जो उसको मांग रहा है, जो कि इतनी जरूरी नहीं होती है हमें इतना एक एक पॉइंट की डिस्क्रिप्शन बनाना, थोड़ा मुश्किल होता है। हम वही डिस्क्रिप्शन ले लेंगे जो साइट से हमें मिली है। तो ये एक ग्रुप है बाय डिस्क्रिप्शन। आज हम सीखेंगे ग्रुप बाय ऑल पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में पॉइंट ग्रुप हम सीख रहे हैं, और पॉइंट ग्रुप में हमने काफी पॉइंट बाय डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया, बाय एलिवेशन देख लिया, बाय नंबर देख लिया। बाय नंबर देखने के बाद हमारे पास अगर जाते हैं न्यू में और देखते हैं कि अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शन बाकी रहता है जो कि इंपॉर्टेंट है। बाय नेम भी होगा, अगर कोई बाय नेम मैचिंग होगा तो उसमें भी सेम ऐसे ही होगा। लेकिन मैं एक ये लास्ट में एक ऑप्शन है इंक्लूड ऑल नंबर, तो मैं इसको समझता हूं कि मेन कर देते हैं, या बाय इंफॉर्मेशन में ऑल पॉइंट के ऑल पॉइंट, या इसको मैं मेन का नाम भी दे देता हूं, ताकि अभी हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होगी एज यूजुअल। अब देखते हैं कि मैं जैसे ही इसको इंक्लूड करूंगा तो ये पूरी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, इसमें कंक्रीट, आर के, एल पी, सिवरेज मैनहोल और स्टॉर्म वाटर मैनहोल, लाइट पोल, रोड गलीज, ये सारे आ गए। तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल, हम जैसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑल पॉइंट, अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं और सिर्फ ग्राउंड लेवल के ही हैं, तो एक ग्रुप बनाने के लिए अगर मैं इंपोर्ट करने के टाइम पे भूल गया हूं तो जस्ट इसको मैं इंक्लूड ऑल पॉइंट करके एक पूरा ग्रुप बना सकता हूं। यहां से आप यहां पे देखें कि ये जिस तरह से ऑल पॉइंट को आप करेंगे तो यहां पे ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, तो ये क्योंकि ऑल पॉइंट है तो हमारे पास या ऑटोकैड सिविल 3D 0 और माइनस में पॉइंट नहीं लेता है। तो जो भी पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे सीएसवी फाइल में, वो
स्टार्ट होगा वन से, और वन से फिर आगे जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा और जीरो में नहीं जाएगा। और अगर पॉइंट आपके पास यहाँ पे अगर नेम में आपने ए बी सी डी या कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो पॉइंट भी आपका इंक्लूड नहीं करेगा, और बल्कि रा डिस्क उसमें जो ना एरर आ जाएगा और आपका कोई भी पॉइंट यूज नहीं होगा, बल्कि वो आपका फाइल ही पिक नहीं करेगा। तो फाइल पिक करने के टाइम पे, आप फाइल बनाने के टाइम पे, क्योंकि साइट पे ये होता है कि नंबर के साथ भी बहुत सारे सर्वेयर इसमें ए बी सी डाल देते हैं कोड में, जो कि फाइल नंबर में होता है, और फिर वो नंबर फिर ऑटोकैड सिविल 3D में जब इंपोर्ट करते हैं सर्वेयर, तो उनको मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है। तो कभी भी आप देखेंगे नंबर में सिर्फ वो नंबर ही लेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखें वो सिर्फ पॉइंट नंबर पूछ रहा है। अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे आप रा डिस्क्रिप्शन में उसका कुछ भी कोड वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर होना चाहिए। अगर कुछ एबीसी डाला तो फिर ये आपका कोई भी नहीं लेगा, आपके पास जो भी उसकी फाइल होगा वो उसमें एरर आ जाएगा इंपोर्ट करने के टाइम पे। तो ये था हमारा इंक्लूड ऑल पॉइंट, जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन में इसको मैं ऑल पॉइंट या मेन ग्रुप में, मेन ग्रुप में भी बोल सकता हूँ। और अब जब आप अप्लाई करके ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी आपके ग्रुप बनते जाएंगे तो वो हमारे पास एक पूरी लिस्ट बनती जाएगी, एक बाय डिफॉल्ट ऑल पॉइंट का ग्रुप इसका बन जाता है ऑटोमेटिकली। जब आप कोई फाइल इंपोर्ट करते हैं तो वो फाइल भी आप यूज करते हैं, ये सेम ये ऐसे ही काम करेगा जिस तरह से हमारा ये पहला ग्रुप है। इसको भी अगर आप प्रॉपर्टी चेक करेंगे ऑल पॉइंट की तो ये उसका सेम ग्रुप होता है, ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप फाइल इंपोर्ट करेंगे तो ये ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाता है एक ऑल पॉइंट के नाम से। तो ये हमारा पॉइंट का ग्रुप और पॉइंट ग्रुप का सेगमेंट। पॉइंट ग्रुप सिलेक्ट एंड ड्राइंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और पॉइंट ग्रुप हम सीख रहे हैं, पॉइंट ग्रुप, और इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन का। देखें इसमें हम एक ड्राइंग सिलेक्शन का मैं एक बना लेता हूं इसमें से एक ग्रुप। तो यहां पे मैंने इंफॉर्मेशन में नाम दे दिया सिलेक्शन इन ड्राइंग। सिलेक्शन इन ड्राइंग एक्चुअली जो हम पढ़ चुके हैं नंबर का, यहाँ पे देखें विथ मैचिंग विथ नंबर्स, तो इसको जब हम एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे नंबर के साथ साथ ये एम्प्टी लाइन जो है इसके साथ साथ यहाँ भी एक नीचे एक ड्राइंग सिलेक्शन ये भी एक्टिव हो जाती है। ये देखें जब हम इसको अनचेक करते हैं तो ये भी अनचेक है, ये भी एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे हम करते हैं इसको एक्टिव तो यहाँ पे ये लाइन तो एक्टिव हो जाती है, लेकिन इसके साथ ये ड्राइंग सिलेक्शन सेट इन ड्राइंग ये भी एक्टिव हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इसको क्या है, जैसे ये एक्चुअली सिलेक्शन होगी ड्राइंग से कि हमें कुछ पॉइंट अगर सिलेक्ट करने हैं ड्राइंग से, तो बजाय इसके कि हम इसमें कोई नंबर लिखें, कोई सीरीज लिखें, इसमें एलिवेशन लिखें या डिस्क्रिप्शन लिखें, ये चीजें फाइंड आउट करें या ऑल पॉइंट ले लें, तो उससे अच्छा है कि सिर्फ एक क्लिक करें तो ये जैसे ही हमने सिलेक्ट इन ड्राइंग में गए तो अब वो सिलेक्शन पूछ रहा है मुझसे कौन सी सिलेक्शन है। तो इसमें क्या है कि आप जैसे एक ही जगह से आपके कुछ ग्राउंड लेवल्स हैं जो कोगो पॉइंट हैं और यहाँ पे आपने सिर्फ उनको सिलेक्ट करना है। यहाँ अब इस ऐसी जगह पे देखें मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी यूटिलिटी एक साथ में होती है, जैसे मैंने इधर सिवरेज मैनहोल, स्टॉर्म वाटर मैनहोल, कर्ब लाइन, एग्जिस्टिंग लेवल, रोड गली, ये सारी जगह पे। लेकिन अगर कोई ऐसा आपके पास टोपो है जिसमें एक ही किस्म के कोड है, एक ही किस्म के लेवल है, तो आप बजाय इसके कि उनकी सीरीज नंबर देखें, सीरियल नंबर देखें और इतनी तरतीब में जाएं, तो आप सिंपल उसको क्या करेंगे कि उसको इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा तो राइट क्लिक के बाद आपके पास यहाँ पे जो भी सीरीज उनका नंबर का होगा वो सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास लिस्ट में भी वो पूरे पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ पे देखें एग्जिस्टिंग के नाम से एक लिस्ट बनी हुई है, तो ये सारे वो पॉइंट हैं जो मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है कि आपको ग्रुप सिलेक्ट इन ड्राइंग से बनता है, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ कि उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है इंक्लूड में जाके। जब हम ये ऑप्शन को यूज करते हैं सिलेक्ट इन ड्राइंग को, तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी पॉइंट है हमारे पास वो इजिली सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर इसके पास नंबर भी वेरीज होते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि आप कामा दे के और वो ऑटोमेटिकली खुद एक लिस्ट बना लेगा, जिसके बाद आपको सिर्फ ये सिलेक्शन करना
पड़ेगा, वो ऑटोकैड सिविल 3D अपनी तरतीब खुद बनाएगा। तो ये है आज का सेगमेंट, और जाके इस क्रिएट ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे भी वो सारे ग्रुप हमारे पास नजर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम में आएगा। लास्ट वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि पॉइंट ग्रुप कैसे बनाएं, अब एक कंबाइन इन सब का ग्रुप एक बनाते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रिएट पॉइंट ग्रुप। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये देखें पॉइंट ग्रुप यहाँ पे भी पॉइंट में भी मौजूद है, और यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टर में आप देखेंगे वहां पे भी पॉइंट ग्रुप है। जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से अभी कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ आप जितने भी ग्रुप बनाते जाएंगे तो यहाँ ग्रुप ऐड होते जाएंगे। ये ग्रुप क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें सेग्रीगेशन करनी होती है पॉइंट को अलग अलग। लास्ट सेक्शन में हम इसको डिटेल में सीख चुके हैं कि इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है। सरफेस जब हम जमीन का एक तय बनाते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक ग्रुप हम उठाएं उसमें से जिसमें सिर्फ जमीन के पॉइंट हो या ग्राउंड के पॉइंट हो, ताकि उसमें फिर हम कोई डिजाइनिंग कर सकें। तो क्रिएट पॉइंट ग्रुप में मैं यहां से भी चला जाता हूं, तो यहां देखें कि इसका जो डायलॉग बॉक्स यहां पे खुल रहा है, ये सेम डायलॉग बॉक्स अगर मैं इसको बंद करके मैं यहां से भी खोलता हूं क्रिएट पॉइंट ग्रुप, तो ये सेम डायलॉग बॉक्स है जो किधर से भी हम खोल सकते हैं। जैसे ही यहां पे फर्स्ट है तो हम यहां पे इसका नेम होगा, तो मैं नेम दे देता हूं इसमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल। ग्राउंड का ये मेरा सरफेस है, मुझे वहां पे क्या चाहिए, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन चाहिए। अगर मुझे इसमें से कोई चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसको खोल के पॉइंट लेवल स्टाइल में मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं पॉइंट और ये सेम रख रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट स्टाइल है, अगर बेंचमार्क या बहुत सारे इसमें पॉइंट स्टाइल है, मैं अपना भी पॉइंट स्टाइल बना सकता हूँ। यहाँ पे इसका एडिट है, और यहाँ पे एडिट जाके मैं पॉइंट में अपना पॉइंट भी बना सकता हूं, और इस तरह से कोई भी शेप यहां से मैं ले सकता हूं। तो इसकी अगर जरूरत पड़ेगी अगर आप लोगों को, तो फिर एक और सेगमेंट बना लेंगे उस पे। तो पॉइंट ग्रुप के बाद आप यहां पे देखें कि मेरे पास अभी कोई भी पॉइंट ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन ऑल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे ये देखें इंक्लूड करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बताएगा कि आप किस तरह से अपने ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रुप बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ, यहाँ पे देखें विथ रॉ डिस्क्रिप्शन मैचिंग, और यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन मैचिंग। इसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे हमने एक शॉर्ट कोड दिया हुआ है LP का, यहाँ पे आप जैसे इसको चेक में लाएंगे, क्लिक करेंगे राइट, यहाँ पे चेक आ जाएगा। तो ये अनचेक, ये सारे अनएक्टिव इसके पार्ट हैं। जब आप जिसको भी एक्टिव करेंगे तो यहाँ से आपको इसको क्लिक करेंगे तो वो चेक हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें अगर हमारे पास शॉर्ट कोड है इसका LP, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ LP, लेकिन अगर आप फुल जैसे LP के जगह पे आपका लाइट पोल पूरी स्पेलिंग लिखी हुई है तो फिर आप यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे यूजुअली हम शॉर्ट कोड इस्तेमाल करते हैं सर्वे में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में भी इतना लंबा लिखना मुश्किल होता है तो हम शॉर्ट कोड होता है। तो यहाँ पे अब मेरे पास है एक, ये देखें कि यहाँ पे एक मेरे पास GL के नाम से एक कोड है, तो मैं GL डाल देता हूं। अब यहाँ पे देखें पॉइंट लिस्ट में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जैसे ही कोई मैचिंग का ग्रुप का कुछ आ जाएगा तो मेरे पास ये पूरी लिस्ट फिल हो जाएगी कि इसमें से मेरे पास कितने पॉइंट हैं। यहाँ पे ये देखें अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है GL, तो उसने सारे ग्रुप में जितने भी GL के नाम से पॉइंट थे वो निकाल के मुझे दे दिए हैं, और करीब 2 इतने कुछ पॉइंट हैं, और 100 से शुरू हो रहा है। एनी आवे कौन से भी नंबर से शुरू हो, कितने भी नंबर हो, क्या भी सीरीज हो, सारे पॉइंट निकाल के लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें जैसे ही आप अप्लाई और ओके करेंगे तो अब दूसरा ग्रुप भी बना सकते हैं।
लेकिन अभी हम एक ग्रुप देखेंगे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे देखें ये एक ग्रुप ग्राउंड का ग्रुप बन गया। अब राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस ग्रुप के पूरी लिस्ट दिखा रहा है कि ये जीएल का ग्रुप है। तो अब हम एक और ग्रुप और एक और टाइप हम सीखते हैं कि इसमें और क्या टाइप है। सेम हम राइट क्लिक करके न्यू में चले गए और यहाँ पे ये सेम है या नन भी कर सकता हूँ, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो फिर आप नन में करके और पॉइंट को राइट क्लिक करके और उसमें आप अगर आप बाय डिफॉल्ट पे चले जाएंगे, जैसे ये मैंने इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप पॉइंट है। तो मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा, प्रॉपर्टी में देखें ऑल टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कोगो पॉइंट ले लूंगा। तो जैसे ही मैंने कोगो पॉइंट ले लूंगा तो यहाँ पे उसकी स्टाइल और लेबल स्टाइल है। अगर यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट कर देंगे तो जो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ वो ही ले लेगा। तो यहाँ पे दोनों को आप डिफॉल्ट कर देंगे तो वो अच्छा है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं तो उसमें फिर ये होगा कि पॉइंट क्या हम देखना क्या चाहते हैं। तो इसके लिए आप इसको प्रॉपर्टी में आप इस सारे पॉइंटों को सिलेक्ट करके डिफॉल्ट पे ले जाएं और फिर आप अपने अपने ग्रुप बनाएं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे और देखते हैं कि नेक्स्ट ग्रुप कैसे बनता है। तो अभी हमने हमने पहला ग्रुप बनाया था, अभी हम दूसरा ग्रुप बना रहे हैं आरके का, रोड कर्ब का। तो ये हम इंफॉर्मेशन में इसका नाम देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट लिस्ट देखें कुछ भी नहीं है, इंक्लूड में जाएंगे और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन के साथ हम आरके दे देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट लिस्ट में ये पूरे आरके वाले ग्रुप में पॉइंट आ गए। अब यहाँ पे एक और चीज है कि ये मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में बनाए, यहाँ पे देखें हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो नीचे ये देखें ये सारे पॉइंट जो होंगे वो नजर आएंगे। और यहाँ पे अगर ग्रुप को करेंगे तो ये यहाँ जो इसके बाकी पॉइंट हैं वो भी ग्राउंड के ये पॉइंट सारे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आरके के नजर आ रहे हैं। हम एक और ग्रुप और एक और टाइप बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे एक कंक्रीट का पॉइंट है और ये एक फाउंडेशन है और इसका लेवल है 2.8 से शुरू होता है, 8.3, 8.5 और एक और भी कंक्रीट है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसका कि ये तकरीबन 2.80 से 2.90 के बीच में इसका लेवल है, 2.88 और इस तरह से। तो अब मैं एक ग्रुप बनाता हूँ कंक्रीट के नाम से। तो न्यू में चले जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊं या ऊपर जो पॉइंट है उसमें, तो कंक्रीट के नाम से मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। तो इसमें भी पॉइंट लिस्ट अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इंक्लूड में जाऊंगा, मैंने ये रा डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कर दिया है। अब मैं जाता हूँ एलिवेशन, एलिवेशन मैचिंग। तो ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें आपको कोई भी यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कोई इस तरह का ग्रुप नहीं मिलेगा, इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा जो इसको एलिवेशन को डिफाइन करे। तो ये क्या होता है कि आपकी लेवल अगर कोई फाउंडेशन है इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो कौन से लेवल से लेकर कौन से लेवल तक आपका ये कवर हो जाता है। तो मैंने देखा है कि ये एक सेपरेट लेवल है, 2.80 से शुरू होता है और डैश दे देंगे और मैंने ये डैश दे दिया है और ये 2.9 तक इसमें सारे लेवल हैं। तो देखता हूं कि मेरे पास पॉइंट लिस्ट में क्या दिखाता है। अब मुझे मैंने 2.80 से 2.89 तक ये सारे इसने इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि मैं लेवल इसको एलिवेशन पूछा था तो 2.8 से 2.90, तो इसके पॉइंट जितने भी मिले। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके कंक्रीट नहीं होगा, कुछ और भी होगा 2.8 से 2.9 तक, तो वो सारे लेवल लेकर आ जाएगा। अभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई 12 नंबर पॉइंट है, लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूँ 2.00 से कर देता हूं तो देखते हैं कि अब मेरे पास क्या आता है। डैश देना जरूरी है बीच में, नहीं है तो फिर वो लंबा नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2.00 से कर्व में भी है और मेनो लार्ज, ये तकरीबन बहुत सारे पॉइंट और भी आ गए हैं। तो इसके लिए मुझे ये देखना है कि मैं जिस का ग्रुप बना रहा हूं वो कोई स्पेसिफाइड लेवल है तो वो मैं लेवल ले लूंगा, नहीं है तो फिर जिस तरह से उसका कोड है उससे भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंक्रीट का एक ग्रुप बना दिया है।
तो चलते हैं, अब आप अभी हम यहाँ से चलते हैं और क्रिएट पॉइंट ग्रुप, और यहाँ से आप सेम सेम अभी यहाँ पे देखें कि मेरे पास जितने भी ग्रुप हैं तो वो सारे ग्रुप मेरे पास यहाँ पे इसके डायलॉग बॉक्स में नजर आ रहे हैं। मेरा एक ग्रुप है एलपी का, और एलपी में अभी मैंने देखा है कि वहाँ पे कुछ लेवल नहीं था, और उसका लाइट पोल का कुछ नंबर होगा, लेवल होगा भी नहीं, क्योंकि वो फाउंडेशन का एक लेवल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ का इसको इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको इंक्लूड करके यहाँ नंबर पे ले लेता हूँ। मैंने जो लाइट पोल के नंबर दिए हुए थे वो दिए हुए थे 60 से। ये सिर्फ आपको नंबर सिखाने के लिए है कि इस ऑप्शन को आप किस तरह से यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ 61 से लेकर और 70 तक, 70 तक जितने भी पॉइंट है वो मुझे लेकर इस ग्रुप में डाल दो। तो ये मैंने देखें यहाँ पे, उसमें जो मैंने लिखा हुआ था 61 से 70 तक, यहाँ पे एलपी के कोड से डाला हुआ था। अगर मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से नंबर हैं, तो इस ये ऑप्शन आपको सिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे इंक्लूड में आप जाएंगे और विथ मैचिंग नंबर, यहाँ पे आप क्या नंबर, यहाँ पे सिर्फ आप नंबर लिखेंगे, जो पॉइंट नंबर होंगे ना सीरीज में जो आपने इम्पोर्ट किए हैं CSV फाइल में, उसमें देखेंगे वो नंबर कहाँ से दिए हुए हैं। मैं एक मरतबा दिखाता हूँ आपको ये कि यहाँ पे अगर LP देखा जाए तो मेरे पास 61 से लेकर और ये 80 तक है। तो ये आप इस तरह से जब आपका एक्सेल का फाइल होगा या CSV का फाइल होगा तो उसमें आपने डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेरे पास कौन से नंबर हैं जिनको मैं ग्रुप बना सकता हूं। तो मेरे पास 80 तक है, लाइट पोल है, तो मैं 80 तक लाइट पोल ले लूंगा, वरना ये नंबर वेरीज भी हो सकते हैं। आप इसको कामा दे दें यहाँ पे और आप लिख दें कि 71 से लेकर और डैश बीच में दे दें और 80, तो यहाँ पे आपने जो कामा दे दिया है तो उसने फिर और बाकी नंबर भी अगर वेरीज है तो आप कामा दे के और अपने इस नंबर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही अभी देखें इसमें लाइट पोल नहीं हुआ, एलपी का ग्रुप नहीं बनाए, जैसे ही मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये फिर उसको अपना यहाँ पे देखें एलपी का ग्रुप भी आ गया और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पॉइंट ग्रुप में देखेंगे ये एलपी का कोड ग्रुप भी बन गया है। जैसे आप किसी भी ग्रुप को आप क्लिक करके और उसके पॉइंट नंबर देखना चाहते हैं तो वो पॉइंट नंबर भी हमारे पास आ जाएंगे, जैसे आप ऑल पॉइंट या इस तरह जो भी आपको इसको चेक में डालना पड़ेगा, नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन में जाके, हम क्योंकि नया ग्रुप डाल रहे हैं एक और ग्रुप है तो जो हमारा मेन ग्रुप रहेगा इसका तो वो हम डाल देते हैं, ताकि एक और ऑप्शन भी आपको दिखा दूं कि इसमें से एक और ऑप्शन किस तरह से यूज होता है। तो हमने देख लिया कि ये नंबर कैसे लिखें, नंबर आप स्टार नंबर डैश दे के फिर एंड नंबर फिर कामा, अगर बीच में और कुछ नंबर है तो दूसरे दूसरे नंबर में जैसे 1 से लेकर डैश 20 तक फिर मैं कामा दूंगा, अगर और सीरीज है 30 से लेकर और 45 तक तो फिर कामा दूंगा, इस तरह से मेरी जो भी सीरीज होगी वो नंबर पे चलेगी। और अगर यहाँ पे हमारे पास मैचिंग एलिवेशन, दो तीन एलिवेशन अगर हमारे पास है और हमें पता है कि इस एलिवेशन में कुछ फाउंडेशन वगैरह है तो वो कुछ या कोई स्ट्रक्चर है तो मैं वो एलिवेशन 2.7 का से लेकर मैं कुछ भी हम 2.8 और इस तरह से जो भी मेरे पास होगा तो मैं लिखता जाऊंगा। तो और अगर दूसरी एलिवेशन डालनी है तो वो कामा दे के फिर उसको कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे रहा डिस्क्रिप्शन भी हो गया, यहाँ पे एक और ऑप्शन है इंक्लूड ऑल पॉइंट। अगर मैंने CSV का कोई फाइल सिर्फ मेरे पास GL में था या ग्राउंड लेवल में था लेकिन मैं वहां पे इंपोर्ट करने के टाइम पे मैं ग्रुप बनाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आप सिंपल इसको आपने जैसे मेन ग्रुप है या कोई भी नाम रख दें और उसके बाद इंक्लूड में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इंक्लूड ऑल पॉइंट, क्योंकि उसमें और कोई कोड नहीं था तो इस तरह से कोई अगर आपके पास फाइल है या आप मेन को मेन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप उसको इंक्लूड ऑल पॉइंट के साथ आप जाएंगे तो आपको ये पूरे पॉइंट आपको इधर दिखा देगा कि आपके कितने पॉइंट हैं और करीब ये कोई जितने भी पॉइंट हो तो आपके पास ये ग्रुप भी बन सकता है। ये इस ऑप्शन में कि अगर आपके पास एक एक करके ग्रुप नहीं बनाते हैं, आप इसका ग्रुप कंटिन्यूसली पूरा ग्रुप बनाना चाहते हैं तो इंक्लूड ऑल ग्रुप में जाएंगे तो आपके सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब उसमें से अगर आप कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो मुझे 61 नहीं चाहिए,
कोई बेंचमार्क है या कोई इस तरह से, तो आप एक्सक्लूड में चले जाएंगे और वो पॉइंट आप निकाल देंगे। तो जब आप लिस्ट में जाएंगे तो आप को देखेंगे कि हमारे पास 60 के बाद 62 है, क्योंकि मैंने 61 एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि कुछ हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको हम ग्रुप में नहीं लाना चाहते हैं, एक दो पॉइंट हो तो कामा देके और भी पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लिस्ट में देखेंगे 60 के बाद 62 है और मेरा पॉइंट उसने 61 नहीं लिया है। तो इस तरह से इसके जो है ना ग्रुप बनते हैं, और ग्रुप के बाद फिर हमारा सरफेस का सफर शुरू होता है। तो ये बहुत जबरदस्त है, इसमें जो है ना मैं एक्सक्लूड भी निकाल देता हूँ ताकि वो फिर हमें कुछ भी ना डालता हूँ। तो ये आज का सेगमेंट था, और क्रिएट पॉइंट ग्रुप उम्मीद है कि ये आपको बहुत काम आएगा।